नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चार्ट के बारे में। तो जो बहनें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इनको उन बहनों को ये चार्ट मिल चुका है। तो जो बहनें हमारे नए हैं, उन जिनको नहीं मिला है, तो हमको कमेंट करके अपना नंबर दे दीजिए, हम उनको चार्ट भेज देंगे। तो चलिए, हम चार्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जिन बहनों के पास चार्ट है, आप अपने सामने रख लीजिए। अब हम आपको चार्ट के बारे में बताएंगे ताकि आपको मालूम पड़े। तो ये देखिए, ये पहला जो लाइन देख रहा है आपको, रेड कलर का है, इसमें दिया गया है नंबर। तो ये बॉडी का मेजरमेंट है। तो बॉडी का मेजरमेंट में हम कैसे लेते हैं, अगर आपके पास बॉडी का मेजरमेंट है तो उससे हम कैसे भाग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए, ये नंबर दूसरा, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है, छठवां भाग है, आठवां भाग, बारहवां भाग। तो हम बारहवां भाग तक आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये दूसरा भाग होता है बॉडी का। जैसे अगर 40 का आपका चेस्ट है, उसका हाफ 20 आएगा, तो आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि ये 20 है। आप देखिए तीसरा भाग, तो तीसरा भाग हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे हमने प्लाजो पैंट ले लिया। अब प्लाजो पैंट में तीसरा भाग हम कहाँ पर यूज करेंगे, अभी जैसे ये मेजरमेंट है हमारे पास, अगर हम इसका चौथा भाग निकालेंगे चेस्ट का हुआ तो ये हो जाएगा, लेकिन तीसरा भाग नहीं निकलता है, तो हमको कैसे कैलकुलेटर करना पड़ता है, तो उसमें हम तीसरा भाग निकालते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो आसन लेते हैं, तो वहाँ पर तीसरा भाग लेते हैं। तो एक बार हम मेजरमेंट देते हैं, समझो 30 का है, अगर आपका हिप जो है 30 इंच का है, तो उसका आसन कितना लेना चाहिए, तो हम इसमें देखेंगे। तो 30 है, 30 का ये तीसरा भाग आएगा 10 इंच, तो हम यहाँ पे आसन यहाँ पे 10 इंच ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आपके पास चार्ट है तो आप सामने चार्ट रख के आप देख सकते हैं। अगर कोई भी साइज, एक मेजरमेंट तो रहता नहीं है, तो सबका अलग अलग रहता है, जो भी आपका हिप का साइज होता है उसका आपको ये आसन तीसरा भाग लिया जाता है। तो हम तीसरा भाग समझ लिए। अब देखिए, चौथा भाग हमको समझना है, यहाँ पे चौथा भाग है। तो ये देखिए, अभी हम जैसे ब्लाउज लिए, तो ब्लाउज का चौथा भाग, तो मेजरमेंट से आप चौथा भाग निकाल सकते हैं। और इसमें दिया गया है, देखो अभी समझो हम एक मेजरमेंट लेते हैं, समझो यहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं 34 का, तो यहाँ पे 34 का चौथा कॉलम में दिया गया है, तो ये देखिए 8.5 आएगा, तो यहाँ पे हम 8.5 लिखेंगे। तो यहाँ पे 8.5 आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 इंच मार्जिन लेना है। तो इसमें सिर्फ आपको मेजरमेंट बताएगा, मार्जिन आपको अलग से रखना है। तो जैसे जिन बहनों को नहीं आता है, तो वो बहनों के पास चार्ट रहेगा, तो आप उसमें आसानी से देख लेंगे हमको ये भाग कौन सा आ रहा है, कितना आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, इसी में भी आपको कमर का भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 34 का हमने लिया कितना, 8.5, तो यहाँ पे हम 8.5 पे निशान लगा देंगे, 2 इंच मार्जिन रख लेंगे। अब देखिए, अगर आपका कमर 30 इंच का है, तो आप यहाँ पे जाएंगे रेड कलर का, तो चौथा भाग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 7.5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 7.5 लिख के 2 इंच मार्जिन दे देंगे। तो इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पे समझ लिए चौथा भाग। अब देखिए, अब हम चलते हैं छठवां भाग। तो छठवां भाग हम कहाँ पर यूज करेंगे, तो जो हम कटोरी बनाते हैं वहाँ पे छठवां भाग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये गला है हमारा, गले की तरफ से हम छठवां भाग यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखिए आपका चेस्ट कितने का है, उससे छठवां। अब इसमें हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं, तो समझो 40 का भी लेते हैं, तो यहाँ पे 40 है, तो 40 का छठवां भाग कितना आएगा, तो 6.67 है, तो इसको हम कितना लेंगे, यहाँ पे हम 6.5 रख लेंगे। तो यहाँ पे 6.5 पे आप निशान लगा लिएंगे। तो आपको जो कटोरी है, जब हम छठवां भाग यूज करेंगे, ये जो कटोरी निकलता है डायग्राम बन के मेजरमेंट करके, तो ये कटोरी हम जब बढ़ाते हैं, तो यहाँ से आपको छठवां भाग लेना है, तो ये कटोरी आपका निकलेगा। फिर निकलने के बाद आपको ये जो बड़ी कटोरी आपकी निकलती है, तो यहाँ साइज फ्रंट की तरफ से आपको 1.5 इंच मार्जिन देना है, और यहाँ गले की तरफ से 1.5 इंच मार्जिन देना है। तो इस प्रकार से हम छठवां भाग यूज करते हैं। आपका जो भी साइज रहेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट है, यहाँ पे छठवां भाग, तो हम कोई भी साइज का आप छठवां भाग निकाल लेंगे गले की तरफ से, और ये कटोरी निकालने के बाद आपको 1.5 इंच आपको मार्जिन दे के बढ़ा लेना है, और इसमें कुछ करना नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे आता है आठवां भाग। तो आठवां भाग हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि हम हाईनेक ब्लाउज बनाते हैं, तो हॉयनेक वाला जो होता है, ये अलग से कॉलर नहीं लगता, कॉलर इसी में हमारा बनता है। तो यह देखिए, हमने यहाँ से आपको ये हॉयनेक कॉलर के लिए ये आठवां भाग छोड़ना है। तो आप देखिए, यहाँ पे कोई भी साइज आप चुन सकते हैं। तो समझो हम यहाँ से 36 लेते हैं, तो 36 का आठवां भाग हम देखेंगे कितना आता है, तो यहाँ पे 4.5 इंच आया। तो 4.5 हॉयनेक ब्लाउज में आप कैसे लेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपकी यहाँ से लंबाई शुरू होती है, देख रहे हैं आपका शोल्डर है यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम देखो शोल्डर लिख देंगे, आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये लाइन देख रही है, ये शोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ इसके जो ऊपर हमने लिया है, यहाँ पे 2 इंच का पट्टी लिया है, तो यहाँ पे ये जो पट्टी हम छोड़ते हैं, जैसे चेस्ट का 8वां भाग छोड़ते हैं, अब हमने 36 का लिया तो 4.5 इंच आया, तो 4.5 इंच यहाँ से, ये देखिए ये लाइन आपको 4.5 इंच छोड़ देना है। अब यहाँ से हमारा ये गला आता है, तो इसके नीचे से हमारा ये डायग्राम बनता है। इसमें ये नीचे डायग्राम में आप कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं, या आप फोर टक्स बना सकते हैं, या योग पट्टी बना सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। हाईनेक कॉलर के लिए आपको ऊपर की तरफ ये छोड़ना है, जैसे चेस्ट का 8वां भाग, तो इस प्रकार से आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा एक जॉइंट आता है बस, और तो इस प्रकार से गला इसी में बनता है। तो ये हाईनेक ब्लाउज जो है इसमें हम 8वां भाग यूज करते हैं। अब देखते हैं 12वां भाग, तो 12वां भाग हम कहाँ पे यूज करते हैं, आस्तीन में। तो जहाँ पे हम यहाँ पे सेप देते हैं, तो वहाँ पे हम 12वां भाग यूज करते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का सेप देते हैं, क्योंकि हमारी बाही जो होती है छोटी होती है, तो यहाँ पे 2.5 इंच। अगर आपकी बाही की लंबाई अगर बढ़ जाती है, तो ये आपको चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 12वां भाग आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप एक मेजरमेंट चुन सकते हैं, समझो यहाँ पे 40 है, 40 का आपका चेस्ट है और उसका बाही आपको बनाना है। अगर आपकी बाही लंबी है तो यहाँ से देखना है 40 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ रहा है 3.25 इंच। तो आपको यहाँ पे सेप जो देना है 3.25, ये चेस्ट के ऊपर भी जाता है कि चेस्ट के हिसाब से लिया जाता है, 3.25 आया। अगर बाही हमारी छोटी है, अगर 40 का चेस्ट है, तो हम 2.5 इंच ही रखेंगे। अगर हमारी बाही लंबी होती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 3.25 इंच का चेस्ट पे देते हैं। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम बाही का सेप देते हैं, तो 12वां भाग यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो आस्तीन स्लीव्स है हमारा, जैसे कि अब हम स्लीव्स, ये दूसरा भाग बता रहे हैं, दूसरा भाग इसमें भी यूज करते हैं स्लीव्स में। जब हम स्लीव्स बनाते हैं, 3-4 स्लीव्स जब बनाते हैं, तो उसमें हम दूसरा भाग यूज करते हैं। तो आप कोई भी साइज का बनाएंगे, कोई भी चेस्ट रहेगा आपका, उसमें आपको 3-4 स्लीव्स बनाते हैं, तो दूसरा भाग यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट, हम कैसे यूज करते हैं। तो इस प्रकार से शेप लिया जाता है। यहाँ पे हमने लिया 6वां भाग यूज किया, यहाँ पे 8वां भाग यूज किया, यहाँ पे हम 12वां भाग यूज किया, और यहाँ पे हमने 3रा भाग यूज किया, जो आसन होता है यहाँ पे हमने 3रा भाग यूज किया। तो इस प्रकार से हम मेजरमेंट पे सेप देते हैं। वैसे तो अगर जैसे हमको इसमें जैसे 1/4 निकाला है, तो हम मेजरमेंट से भी देखिए इससे निकाल सकते हैं। अगर हमको 3रा भाग निकाला है, तो वो कैसा, अगर आपके पास चार्ट रहेगा आप फटाक से देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये चार्ट का मेजरमेंट लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये चार्ट के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन बहनों को नहीं समझ में आया, वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहनों, हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है मंगलवार और शुक्रवार को रात 8 बजे। तो जो बहनें नए हैं, तो हमारे ट्यूटोरियल से रात को 8 बजे जुड़ सकते हैं। तो समझें, सीखें, सफल बने। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।